नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनाए जाने वाले एकदम अलग से नमकीन की रेसिपी। जैसे कि आज से पहले आपने चावल के आटे से सूजी से बना के तैयार किया होगा, लेकिन आज मैं उसी रेसिपी को गेहूं के आटे से बना के दिखाऊंगी। बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगा, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होगा। यदि आपको भी बनाने हैं गेहूं के आटे से कुरकुरे से नमकीन तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका जो है गेहूं के आटे से जो आप नमकीन बनाएंगे ना, वो बन तो जाएगा लेकिन सूखने के बाद वो टूट जाएगा। और ऐसा रेसिपी है जिसे आप चाहे तो साल भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। यदि आप स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो गेहूं का आटा ज्यादा ले लीजिएगा और ज्यादा से बनाइएगा। और यदि झटपट से बना के खाना चाहते हैं तो आप कम भी आटा का बना के पहले चेक कीजिएगा। आपको यदि इसका स्वाद पसंद आए तो दोबारा में ज्यादा करके बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो है फ्रेंड्स, ये पैकेट वाला आटा है। तो पैकेट वाला आटा जो होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बारीक होता है, देख पा रहे हैं, क्योंकि इसको जो है पीसने के बाद बहुत बार छान के उसके बाद तैयार किया जाता है। तो यदि आपके पास पैकेट वाला आटा है तो आप इसका ऐसे भी एक बार छन्नी से छान लें, मोटे वाले से या पतले वाले से, और इसका रेसिपी आप बना सकते हैं। यदि घर का आटा है आपके पास तो घर के आटा में क्या होता है, चोकर ज्यादा होता है, जो गेहूं का छिलका होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो आप इसे बारीक वाला छन्नी से छान के आटा एकदम बारीक निकाल लीजिएगा। तो इससे कुरलाई जो है थोड़ा सा सफेद सफेद सा बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सफेद बनेगा। तो इसके लिए आप आटा को पहले अच्छे से तैयार कर ले। तो ये है पहला आपको समझने वाली बात। अब यहाँ पर आटा को हमें छानना है। तो ये पैकेट वाला आटा है तो ये मोटा छन्नी से भी छन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। छानने से ये होगा कि कहीं इसमें कुछ कण वगैरह होगा, दाना गेहूं का या कोई और चीज का टुकड़ा, तो वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें गेहूं के आटे को बहुत अच्छे से पहले छानना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको हमें नापना होगा। किसी भी कप या कटोरी से आप आटा को नाप के ले, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें जो और सामग्री आप ऐड करेंगे जैसे नमक पानी, तो वो सब सारे चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नापने के लिए आप घर का कोई भी कप या कटोरा ले सकते हैं। तो यहाँ वाला ये वाले कप से नाप के लेती हूँ फ्रेंड्स। आपको सिर्फ रेसिपी बना के दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से बना के ढेर सारा भी रख सकते हैं। यदि आपके पास सुखाने का जगह है, जैसे कि अभी तो उतना अच्छा धूप भी नहीं आ रहा है, तो आपको चाहिए सुखाने का जगह तो आप ज्यादा बना ले, और कम जगह है आप पंखे में सुखाना चाहते हैं इसको, तो आप थोड़ा सा भी बना के ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कप हमारा आटा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से दबा के इसमें एक कप आटा ले रही हूँ। और एक ही कप आटा से आपको बना के और दिखाती हूँ, और एक कप आटा का सारे नापतोल बताऊंगी। तो आप यदि दो कप से बना रहे, तीन कप से बना रहे हैं, तो उसी अनुसार से सारे सामग्री को इसमें डालिएगा। तो ये ज्यादा वाला आटा को अलग बर्तन में रख के और फिर आपको बताती हूँ। तो आटा को हमें डाल लेना है एक बड़े बर्तन में, और ये एक कप आटा है, इससे भी बहुत सारा बनके तैयार होगा। आप देखते जाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब आटे के अंदर हमें डालना है आधा चम्मच तेल, बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसमें तेल डालेंगे, एक कप आटा है तो आधा चम्मच, जो घर का नॉर्मल चम्मच है उससे आधा चम्मच ही इसमें तेल डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तेल डालने से क्या होगा, ये थोड़ा सा देखने में चमकदार बनेगा और खाने में काफी खस्ता लगेगा। और साथ में अभी इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा सा कम डालिएगा, ज्यादा नमक हो जाता है ना ये सब नमकीन के अंदर में, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा। नमक यदि कम हो जाए तो आप बाद में इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। और नमक और तेल को हमें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करना है आटा में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में अपने फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। ऐसे मैं हर रोज दो वीडियो डालती हूँ, तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगी, जिस समय भी डालूंगी, तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी होता है।
तो देखिए अच्छे से आटा में जैसे हम लोग मोइन करते हैं ना कोई नमकीन बनाने में बनाने के लिए, तो उसी तरीके से इसमें हमें मोइन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं। देखिए सूखा ही है लेकिन इसमें तेल और नमक दोनों गया हुआ है। आपको मसाले वाले बनाने हैं तो इसमें आप मसाला भी डाल सकते हैं, और आपको यदि सादा कुरलई बनाना है जैसा कि मैं बना के दिखा रही हूँ तो आप इसमें कोई भी मसाला ऐड ना करें। अभी क्या करना है फ्रेंड कि इसके अंदर हमें डालना होगा पानी। गेहूं के आटे को हल्का सा 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेने से भी ये बहुत अच्छा बनता है और ऐसे भी बनेगा जैसे मैं आपको बना के अभी दिखा रही हूँ। जिस कप से आप आटा ले रहे हैं या कटोरी से उसी से आपको इसमें पानी डालना है इसके अंदर। तो पहले 1 कप पानी इसमें डाली हूँ, अब अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसमें कोई भी गुठली नहीं होना चाहिए, आप देखते जाए पानी का मात्रा। फिर ये 2 कप है, हल्के हाथों से इसे घोलने से क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ेगा। यदि गुठली गुठली सा लगे तो आप हाथ से भी घोल के इसका घोल तैयार कर सकते हैं। तो पहले 2 कप पानी के साथ हमें आटा को बहुत अच्छे से घोलना है, उसके बाद इसमें बाकी का पानी हमें ऐड करना है। कैसे बनेगा वो आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स आप पापड़ बनाने के शौकीन हैं, किसी भी तरीके का पापड़ की रेसिपी आपको चाहिए, आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको YouTube पर जाना है, मी सहेली पापड़ रेसिपी वहाँ पर सर्च करना है। बहुत सारे हमारे पापड़ के बनाए हुए जो वीडियोज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और आप देख के बहुत ही आसान तरीके से पापड़ बना के रख सकते हैं। जब आप हमारा पापड़ का वीडियो देखेंगे ना फ्रेंड तो आपको यकीन नहीं होगा कि पापड़ इतना आसानी से भी बन सकता है। इतना आसान तरीके से मैं पापड़ बना के उसमें दिखाई हुई हूँ, जिसमें कि सबसे मुश्किल उड़द दाल के पापड़ और मूंग दाल के पापड़ बनाने होते हैं उसे भी बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखाई हूँ। तो आप जरूर सर्च करके देखिए और पापड़ बनाइए मेरे तरीके से। अभी देखिए इसमें जरा सा भी कहीं भी कोई गांठ नहीं पड़ा है और आटा जो है बहुत अच्छे से घुल चुका है, देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर हमें डालना है 1/2 कप और पानी। 1 कप आटा के लिए हमें 2.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है, तो आप इसी हिसाब से जितना भी आटा का बनाना चाहते हैं बना लीजिए। जिस भी कप या कटोरी से आप आटा को नाप के ले रहे हैं या वजन से ले रहे हैं तो उसी अनुसार से इसमें 2.5 गुना पानी आपको डाल देना है। ये पैकेट वाला आटा है तो 2.5 गुना पानी में ये हो जाएगा। घर का आटा थोड़ा मोटा होता है तो आप 3 गुना पानी इसमें डालिएगा, इससे ज्यादा पानी आपको नहीं डालने हैं। तो देखिए अभी आटा में पानी, नमक और तेल 3 चीज चला गया है। अभी इसमें और भी चीज बाकी करना है, ऐड करना है। तो ये कलछी में जो लगा हुआ है गांठ के जैसे इसे मैं इस तरीके से हटा देती हूँ और यहाँ पर ये घोल हमें तैयार मिल गया है। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ पकाने का प्रक्रिया और इसमें और क्या ऐड करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर चढ़ाई हूँ पैन को चूल्हे पर। अब पैन के अंदर हमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देना है, क्योंकि पैन के अंदर आप एक बैग से घोल डाल देंगे तो घोल जाके अंदर में चिपक जाएगा। फिर जब आप इसका कुरलई बनाएंगे तो वो उसमें गांठे सी पड़ जाएगी और आपका कुरलई जब है बनने वक्त बहुत दिक्कत करेगा। पानी में हमें डालना है पापड़ खार। पापड़ खार डालने से हमारा कुरलई जो है बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड्स आपके पास यदि पापड़ खार नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिएगा या 1/2 चम्मच जितना इसमें डाली हूँ छोटा वाला चम्मच से 1/2 चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर, आप दोनों में से यानी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा डालना है तो 1 चुटकी डालना है 1 कप में, और बेकिंग पाउडर डालेंगे तो खाने वाला जो चम्मच होता है उसका 1/4 चम्मच आप 1 कप आटा में डाल सकते हैं। उसका भी मात्रा होता है कम और ज्यादा। बहुत ज्यादा मीठा सोडा डालने से भी जब आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो एकदम से लाल लाल सा हो जाता है। तो अभी बेकिंग पाउडर आप डालेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा डालते वक्त बहुत ध्यान देना होता है। यदि आपको नहीं डालना है तो आप कुछ भी ना डालें, लेकिन बहुत ध्यान से डालना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जो है हमारा पापड़ खार पक चुका है पानी के अंदर। अभी कर देना है गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो और 1 हाथ से आटा डालना है, दूसरे हाथ से एकदम मिक्स करते जाना है इस तरीके से। थोड़ा अभी ठंडा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आराम से इसे लगातार पकाते हुए अच्छे से पकाइए
जिससे कि हमारा आटा जो है बिल्कुल कच्चा भी ना रहे और बहुत जल्दी ये गाढ़ा भी ना हो। बहुत जल्दी गाढ़ा होगा तो भी ये कच्चा रह जाएगा। गैस के आंच को एकदम कम करके रखिए शुरू से, क्योंकि इसमें पानी जो है बहुत ही कम डाला गया है। तो आप घर वाला आटा में 3 गुना पानी डालिएगा, पैकेट वाला आटा में 2.5 गुना पानी डालिएगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आटा को कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाना है। तो आंच को ऐसे सेट करके रखिएगा कि इतना ही पानी में आटा आपका बहुत अच्छे से पक जाए। कम पका हुआ आटा रहता है तो वो खराब हो जाता है, बाद में भी खराब हो जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए अब आटा को थोड़ा देर ही पकते हुआ है और ये जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया। लगातार चलाते हुए पकाइए। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को आप पूरा अच्छे से देख के समझ लें। एक बार समझ जाएंगे तो आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करेंगे, इतना अच्छा ये बनता है। देखिए कैसे पकना शुरू हो गया है, एकदम लेई के जैसा ये हो गया है। देखिए अब इसको इतना देर पकाइए कि थोड़ा सा ये गाढ़ा सा हो जाए, जिससे कि आप आसानी से इसका कुड़लई बना सके। चावल के कुड़लई तो रेसिपी चाहिए फ्रेंड, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। लेकिन इस टाइप का कुड़लई जो है सो आप पहली बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी चावल का ही बनाते हैं या सूजी का बनाते हैं, गेहूं का आटा का नहीं बनता। गेहूं का कुड़लई तो बनाया जाता है, गेहूं को फुला के, फिर बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत होता है। लेकिन ये वाले जो कुड़लई है, कम मेहनत में भी आप घर में बनाना चाहे तो बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पकाना है। और गैस के आंच को शुरू से ही कम रखी थी, एकदम जो तीसरे वाला पर होता है ना, सबसे लो वाला पर, उस पर रखी थी, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से पक भी गया है और इसमें पानी भी नहीं कमा। थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, उसके बाद आप देखिएगा कि इसको फिर क्या करना है। जैसे अभी बहुत ज्यादा गीला गीला है, इस तरीके से करके देखिए। पैन में आपको लगेगा हल्का पानी पानी सा जैसे छूट रहा है। देखिए ऐसे करके देखने से लग रहा है पानी पानी सा छूट रहा है। तो अभी हमें इसको जो है और सुखाना है थोड़ा सा। तो 12 से 13 मिनट तो करीब लग ही जाएगा आपको आटा को पकाते हुए। आटा कच्चा रह जाएगा फिर भी आप इसको बना नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसके लिए हमें आटा को बहुत अच्छे से पकाना होता है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार समझा देती हूँ, जो कोई हमारे फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं, इस टाइप की रेसिपी बनाना चाहते हैं, तो उनका भी रेसिपी एकदम सही बने, बिल्कुल भी खराब ना हो। क्योंकि खराब हो जाने के बाद एक तो सामान बर्बाद, एक मन में दुख भी हो जाता है। देखिए अब आटा जो है एक जगह गोल सा होने लगा, देख पा रहे हैं, पैन को आटा छोड़ रहा है। तो इसी तरीके से आटा जब पकेगा ना, तो पैन को या किसी भी बर्तन में आप बना रहे हैं तो वो तले से छोड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। देखिए छोड़ रहा है, यानी हमारा आटा जो है पक चुका है। अभी क्या करना है कि गैस को बंद करना है। गैस को बंद करके इसमें लगाना है ढक्कन, और ढक्कन लगा के हमें 20 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से ढक के छोड़ देना है, जिससे हमारा आटा भी थोड़ा ठंडा हो जाए और ये थोड़ा सा पक के और अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी गैस को बंद करके इसमें ढक्कन लगाना है। और इसे घड़ी के टाइम देखकर आप 20 से 25 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं, जिससे आटा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि इतना सारा गर्म का बना भी नहीं पाएंगे, और जब तक ये ठंडा नहीं होता है तो आटा सेट नहीं होता है। गेहूं का आटा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ये चिपचिपा सा होता है इसके लिए। तो चलिए 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, और आपको कुड़लई बना के सूखने के बाद फिर छान के भी दिखाऊंगी, तब आपको सही से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक इसको छोड़ी थी ढक के, तो बहुत अच्छे से आटा हमारा सेट भी हो गया है, और देखिए गाढ़ा भी हो गया है, और साथ साथ में ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। थोड़ा ठंडा होगा तभी आप बना पाएंगे। अब बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना होगा साँचा, जिससे कि कुड़लई बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो देखिए इसमें दो तरीके का प्लेट आता है, एक मोटा वाला जाली है, एक पतला वाला जाली है। तो आप मोटा वाला जाली और पतला वाला जाली दोनों से ही बना सकते हैं। मैं आपको दोनों
से बना हुआ कुरलई कैसा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन जब दोनों से ही बनाऊंगी कुरलई, लेकिन आपको एक से बना के दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको दूसरे जाली से भी बना लेने हैं, यानी एक बार आप भरेंगे अच्छे से आटा को तो ये वाले जाली से निकाल लीजिए, और फिर दोबारा में जब आटा आप भरेंगे तो पतला वाला जाली लगा के इससे निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें मशीन को, यानी कि जो साँचा है इसको थोड़ा सा तेल से चिकना करना है। तेल लगाने से इसमें आटा जो है चिपकेगा नहीं। और ये वाला हमारा पीतल का है, आप लेना चाहते हैं तो स्टील का भी मिल जाता है और प्लास्टिक का भी मिल जाता है, सस्ता महंगा हर तरह तरीके का ये वाला जो साँचा है, मोल्ड जो है सेव मेकर, वो मिल जाता है। तो इसमें मोटा वाला जाली लगाई है और इसमें भी हमें तेल लगाना है, इससे ये चिपकता नहीं है और कुछ नहीं होता, ये चिपकता नहीं है। अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा आटा हमें इसके अंदर भरना है। तो आप चाहे आटा को हाथ से भी डाल सकते हैं और चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से लीजिए और इसमें भर लीजिए। आटा को ठंडा जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तब आप इसका कुरलई ना बनाए, उससे क्या होता है थोड़ा सा हाथ जलने लगता है और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार में जितना आए इतना इसमें हमें आटा को भर के और अच्छे से इसका ढक्कन लगा के बंद कर लेना है। तो चलिए इसमें आटा डाल के अच्छे से ढक्कन लगा के बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। कुरलई बनाने के लिए यहाँ पर पॉलीथीन ली हूँ, आप पॉलीथीन पर बना सकते हैं, कपड़े पर बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमें कुरलई को निकालना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हटा के ही बनाइएगा। देखिए बहुत अच्छा रेसिपी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा घर में सबको। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा छोटा छोटा ही कुरलई निकालना है, और ये वाले से जो साँचा है फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा मोटा मोटा बन गया था, तो आप जब बनाएंगे तो पतले वाले का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए इस तरीके से, तो सारे कुरलई को हमें ऐसे ही बना के और अच्छे से सुखाना है 2 से 3 दिन तक। यदि धूप में सुखा रहे हैं तो 3 से 4 दिन तक सुखाइएगा, पंखे की हवा में सुखा रहे हैं। और जब आपको स्टोर करना है तब आप इसमें धूप जरूर दिखाइएगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। आटा का बना हुआ है और कभी कभार बीच बाच में जो धूप उगे, बढ़िया धूप, तो आप बीच बीच में इसे सुखाते रहिएगा और साल भर भी स्टोर करके रखिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए जब कुरलई सूखता है फिर मैं आपको सूखा हुआ कुरलई और फ्राई करके दोनों दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, गेहूं के आटे के कुरलई बनने के बाद, सूखने के बाद ये थोड़ा सा इस कलर का होगा, क्योंकि आटा का है तो ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसका कलर जो है सांवला सा हो जाता है। तो यही एक है, और जब फ्राई कीजिएगा तो फिर ये सफ़ेद सा हो जाएगा, और पतला वाला जाली से बनाने से ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला पतला सा बन के आएगा। तो आपको मोटे वाले या पतले वाले जो भी बनाने हैं आप अपने पसंद से बना लीजिएगा। तो चलिए अब आपको कुरलई फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि ये फूलता है या नहीं फूलता है। तो यहाँ पर तेल गरम है, अब इसमें डालना है हमें कुरलई को, 2 डाल देती हूँ। सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा सांवला सा होता है, यानी कि एकदम सफ़ेद दूध के जैसा नहीं होता है, और बाकी इसमें कोई अंतर नहीं होगा, स्वादिष्ट एकदम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कलर इसका डार्क होता है। आटा का है तो आटा के जैसा ही ये बन के तैयार होता है, देखें। और कुरलई का साइज आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बनता है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।